नमस्कार, मैं डेजी रॉय आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया अच्छी सी रेमेडी और अच्छा सा तरीका और बताने वाली हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा और घर बैठे पार्लर के महंगे प्रोडक्ट और महंगे महंगे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस लॉकडाउन में आसानी से आप घर में हेयर डाई कर सकते हैं, जो कि बरगंडी कलर लाएगा। और बहुत लोग हाईलाइट भी कराते हैं, तो इस तरह से आपके हाईलाइट भी हो जाएंगे हेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे आप लोगों को बताते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो मेरे वीडियो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं या नहीं, तो मैं और आगे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इसे घर बैठे बनाते हैं। सबसे पहले आपको लेना है बीट रूट और उसका जूस निकाल लेना इस तरह से। और इसमें बस मात्र एक चीज़ ही डाल रही हूँ, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके हेयर डाई पक्के हेयर डाई होने वाले हैं, पक्के हेयर कलर पकड़ने वाले हैं, और वो है आपका, लास्ट में बताऊंगी। अभी जो मैं लाई हूँ वो तो मेहंदी है, और मेहंदी तो देना बहुत ज़रूरी है। तो इस बीट रूट जूस में मैं मेहंदी डाल रही हूँ, और जो कि आपके आसानी से जो आप मेहंदी लाते हैं, कोई भी आप मार्केट में नेचुरल मेहंदी ला सकते हैं। अगर आपके पास पेड़ है मेहंदी का तो उससे भी पत्ता को तोड़ के पीस सकते हैं और पीस के इसमें मिला लीजिए, वो और भी अच्छा होगा। मेरे पास नहीं था तो मैं इस तरह का नेचुरल मेहंदी ला करके इसमें मिलाई हूँ। और इसमें एक और चीज़ डालने वाली हूँ, जो कि सबसे लास्ट में डालना है, उसे जब आप लगाने लगेंगे तो उस समय डालना है। तो फ्रेंड्स, आपसे लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और इसे इस तरीके से डाल के अच्छे से इसे मिला लेना है, कोई भी अंदर में जो गुठली वगैरह हो जाती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और इस तरह से इसे मिला करके रात भर इसे भिंगो करके छोड़ दीजिए। जब सुबह में आप इसे लगाएंगे तो आपको इसमें वो चीज़ डालना है। तो आप आगे ज़रूर देखिए कि इसमें कौन सी चीज़ डालनी है। तो ये देखिए, ये मॉर्निंग हो चुका है, मैं सुबह में इसे फिर से यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से पूरा अच्छा मेहंदी कलर में आ गया है, और जब ये बाल में लगाएंगे तो वो और बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और ये है कत्था पाउडर। कत्था पाउडर आपको पान के शॉप पे या आप मार्केट में पंसारी के शॉप से ला सकते हैं। मैं यहाँ पे कत्था लाई हूँ और उसे पाउडर बना के डब्बे में करके रखी हूँ। तो एक चम्मच आपको कत्था पाउडर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, एक चम्मच ही डालना है। और उसके बाद से आपको अच्छे से इसे मिला लेना है। कत्था पाउडर से आपके बाल में जितने कलर हैं बहुत अच्छा, बहुत पक्का कलर पकड़ता है और रेडिश कलर में आता है। ये जो बरगंडी कलर होता है ना मेहंदी में, अगर कत्था पड़ता है तो बरगंडी कलर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर आप लोग ट्राई करना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये रेमेडी कैसी लगी। मैं इससे भी अच्छा अच्छा रेमेडी आप लोगों को बता सकती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर अच्छा लगे तो। और प्लीज़ शेयर भी कर देना फ्रेंड्स, इसे शेयर आप लोग नहीं करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसे अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि मैं बाद में इसमें डाली हूँ, तो इसे अच्छे से मिलाना है। और मिला करके इसमें जो भी अंदर में अगर लम्स वगैरह कत्था का बच गया है तो वो अच्छे से मिल जाए, जिससे कि आपको लगे तो पूरे हेयर में अच्छे से लग जाए। और इसे अच्छे से बाल में लगा लेना है, पूरे हेयर में ऊपर से नीचे तक लगाना है, जिससे कि पूरा बाल में कवर कर ले। और लगाने के एक दो घंटे तक आप इसे रहने दीजिए अपने बालों में, उसके बाद से आप अपना बाल को धो लीजिए। और धोने के बाद जब आप आएंगे तो इतना अच्छा कलर पकड़ेगा, इतना कलर अच्छा पकड़ेगा कि अब मैं इसके बारे में बता नहीं सकती हूँ। आप जब लगाएंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है, इस कलर का पकड़ेगा आपका। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मुझे एक लाइक भी करना ज़रूरी है, बनता है फ्रेंड्स। अगर मैं इतना मेहनत करती हूँ, आप लोग थोड़ी सी लाइक करके मेहनत कर लें तो मुझे अच्छा लगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।